अभी मैंने रिसेंटली लर्निंग आयुर्वेद चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जब मैं आपको लोगों को अष्टांग संग्रह पढ़ा रही थी, तो उसमें एक चैप्टर है मद्य प्रकरण, ठीक है, जिसमें अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में बताया गया है, और अल्कोहल से कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, कैसे बनती हैं, अल्कोहल कब लेना है, क्यों लेना है, वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैंने लोगों को रेफरेंस भी बताया, ठीक है, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 7 का, नहीं सॉरी अध्याय 6 का, द्रव द्रव विज्ञानी अध्याय का वो चैप्टर था, और सब कुछ रेफरेंस बता दिया। उसके बावजूद लोगों के इतने भयानक और बढ़िया और अच्छे वाले कमेंट आए हैं, लेकिन हाँ मैं उसके लिए थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी कि हाँ ठीक है, क्योंकि अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो या तो लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं या तो लोग बहुत ज़्यादा बुराई करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं और कुछ अच्छे कमेंट आए, अच्छे से मतलब जिनके बारे में क्लेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं वहीं से कुछ कमेंट उठाए हैं मैंने, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। अच्छे कमेंट हैं जो आपको थोड़ी सी नॉलेज प्रदान करेंगे, कुछ वाहियात कमेंट भी हैं मज़े लेने के लिए, वो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। तो चलिए हम पहले कमेंट से चालू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है किसका है, एक मिनट लेट मी चेक, नीचे से उसमें जाते हैं। सबसे पहला कमेंट है साइरिल सिंह का, इन्होंने अच्छी तारीफ करी, इन्होंने बोला है ए वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो विच लुक्स अपॉन अल्कोहल कंजम्पशन इन ए न्यू वे, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय दी प्रेजेंटेशन, और थोड़ी सी तारीफ करी है। तो मैंने सोचा वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ी अपनी सेल्फ तारीफ कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पहले डाल दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कमेंट है, और जब भी मैं ये इस प्रकार की वीडियो शूट करती हूँ मेरा मोबाइल हैंग होता है, बाकी टाइम नहीं होगा लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं कमेंट रीड करती हूँ ना, वहाँ मेरा मोबाइल हैंग होता है। उसके बाद अगला जो कमेंट है, ए जे ने कमेंट किया है, शराब का तो हो गया, चखना में क्या होना चाहिए। अब देखो ये सवाल उन्होंने या ये कमेंट उन्होंने मेरी टांग खिंचाई करने के लिए या हो सकता है निगेटिव कमेंट करने के लिए बोला हो, लेकिन अब यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग अल्कोहल के साथ में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, तो चलिए मैंने कहा आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता देते हैं। देखो अल्कोहल को आयुर्वेद में अम्ल रस प्रधान बोला गया है, ये खट्टी होती है और ये पित्त को बढ़ाने वाली होती है। अब लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल के साथ जब भी कुछ सेवन करते हैं तो क्या करते हैं, तीखा तीखा चिरपिरा नमकीन वाली चीज़ें खाते हैं लोग, क्या होता है ना पकौड़े वगैरह या मूंगफली हो गई या कुछ भी जो चटपटा सा होता है ना उसको खाना पसंद करते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना कि अल्कोहल का यदि आप सेवन कर रहे हो तो आपको तीखा नमकीन खाना नहीं खाना चाहिए, और एटलीस्ट खा रहे हो तो बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। यदि किसी कारण से आप टेस्ट बदलने के लिए और जो कुछ भी है एक आध दाना मुंह में डाल रहे हो तो ठीक है, मैं तो उसको भी मना करूंगी, क्योंकि आयुर्वेद में तो क्लियरली इंडिकेशन है कि अल्कोहल के साथ में किसी भी और चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल को हमेशा पानी के साथ में मिलाकर सेवन करना चाहिए और हमेशा ठंडे पानी के साथ में इसका सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पित्त प्रधान है, बहुत ज्यादा शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, तीक्ष्ण होती है, पित्त को बढ़ाती है, पित्त का प्रकोप कराती है, और शरीर के अंदर लंबे समय तक प्रयोग करते हो तो वात का प्रकोप कराती है। तो इसलिए ऐसी चीजें जो कि पित्त और वात को बढ़ाने वाली है उनका आपको अल्कोहल के साथ में सेवन नहीं करना है। तो जो आपने कमेंट किया है कि चखने में क्या होना चाहिए, तो चखने में कुछ नहीं होना चाहिए, अल्कोहल का सेवन आपको प्लेन पानी के साथ में ही करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोडे के साथ सेवन करते हो और जो कुछ भी होता है ना, जो अल्कोहल वाली जो दुकानें होती हैं जहाँ पर जो कुछ भी मिलता है उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आयुर्वेद में क्या रेफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यदि आप अल्कोहल का सेवन करोगे तो आपको फायदा मिल सकता है ना, आप उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उससे रिलेटेड जानकारी आपको दी है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला है, हाँ ये भी अच्छा कमेंट था और मुझे पता नहीं कि ये भी नेगेटिव कमेंट था या पॉजिटिव, मैंने लेकिन इसको पॉजिटिव ले लिया है। समय कंदुलना, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो, इन्होंने सवाल पूछा है मैडम सेक्स करने से पहले ले सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छी बात है, सीरियसली याद रखना वल्गर सेक्स की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात करती हूँ यहाँ पर दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ एक रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप में है, उन लोगों के बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जो सेक्सुअल प्लेजर होता है, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग जो कैजुअल सेक्स कर रहे हो, कोई वन नाइट सेक्स कर रहा है और यू नो प्रोस्टिट्यूट के साथ में जाके कर रहे हो, ये सब ऊटपटांग हरकत हैं, ये बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी भी सामाजिक व्यवस्था में इनका वर्णन नहीं हो सकता, तो ये हमेशा बुरी है। लेकिन यदि जो पति पत्नी है जब वो अपने दिमाग
दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, अपने बेडरूम के माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए थोड़ा सा अल्प मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिससे कि उनका क्या होता है, जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो अच्छी होती है, जो उनको एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन महसूस होता है, उन चीज़ों के लिए आप अल्प मात्रा में सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले अल्कोहल का सेवन कर सकते हो। याद रखना, अल्कोहल का सेवन करने से आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन यदि आप स्ट्रेस फ्री हो, अपने पार्टनर के साथ में रिलैक्स होके अल्कोहल का अल्प मात्रा में सेवन कर रहे हो, तो ये आपके मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करता है, जो निगेटिव थिंकिंग है उसको कम करेगा, तो इनडायरेक्ट वे में ये आपके सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बढ़ाता, ये ऐसा मत सोच लेना कि आप शराब पियोगे तो आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं होगी, आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, अगर स्ट्रेस कम होगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप, अच्छा कमेंट है, मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह के जो पेशेंट होते हैं ना, वो भी अल्प मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखना अल्टीमेट जो इसका कॉज है वो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद एक सवाल है, ये रोहन सिंह ने, कौन से फर्जी कॉलेज से डिग्री ली है और कहाँ बताया गया है कि शराब को जड़ी बूटी से भी बनाया जाता है, इन लोगों को कुछ नहीं पता। मैंने रेफरेंस दे दिया यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी, इतनी सी, इतनी सी मेहनत कर लो, गूगल सर्च कर लो कि अष्टांग संग्रह क्या है, थोड़ा सा चैप्टर का नाम पढ़ लो, थोड़ा सा रेफरेंस देख लो, इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हो ना इंसान कमेंट करने से पहले। मतलब क्या है, तुम्हारे निगेटिव कमेंट करने से भी मुझे फायदा होता है, चिंता मत करो। गूगल के एल्गोरिथम को नहीं पता होता कि तुमने क्या गालियां लिखी है, कि फर्जी कॉलेज लिखा है कि क्या है। तो यदि आप वास्तव में चाहते हो कि ये मेरा जो चैनल है या जो मेरा वीडियो है वो अच्छा नहीं है, तो ना ही कमेंट करो ना ही देखो, स्टार्टिंग जैसे ही आ जाए उसको बंद कर दिया करो, मत देखा करो, जैसे कोई अल्कोहल का शब्द लिखे मत देखा करो, अगर आप वास्तव में समाज सुधार करना चाहते हो। लेकिन यदि आप देख रहे हो तो फिर थोड़ा सा पूरा देखो, रेफरेंस देखो, समझो और थोड़ी सी गूगल सर्च करो, तो थोड़ा सा आपका जो दिमाग की बत्ती है ना वो खुलेगी। अगला कमेंट से पहले फिर से हैंग, मोबाइल मेरा अच्छा है, प्लीज ये कमेंट मत करना। ये क्या होता है ना कि लंबे समय तक ऐसे पड़ा रहता है ना, तो वहीं का वहीं हैंग हो जाता है, उसमें लॉक हो जाता है, मैंने इसको लॉक करके रखा हुआ है। तो ये सवाल रवि मासी ने सवाल किया है, क्या आप पीती हैं, जवाब जरूर दें। ये सवाल ना बहुत आते हैं यूट्यूब पे, बहुत आते हैं, क्यों आते हैं मुझे पता नहीं, कि आप पीते हो क्या, जो पूछ रहा है या बता रहा है। कभी कुछ और ऊटपटांग आएंगे सेक्सुअल चीज़ों के ऊपर, जब मैं बताती हूँ तो वहाँ पे लोग ऊटपटांग कमेंट कर देंगे, समझ नहीं आता। चलो मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ, भाई मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा है कि सबको पता होना चाहिए कि मैं बचपन से, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ, मेरे में तो वो जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी वो थी, तो मैं तो जब 4-5 साल की थी ना तब से डॉक्टर ब्रेंडी पी रही हूँ। मेरे पापा लेकर आते थे 2 ml 5 ml डॉक्टर की एडवाइस से, वो डॉक्टर ब्रेंडी मुझे पिलानी ही पड़ती थी, जब मुझे एस्थमेटिक का अटैक आता था, जब मुझे सीवियर निमोनिया हो जाता था तो वो पिलाते थे, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन में पिलाते थे। तो भाई हमारे यहाँ तो अल्कोहल का, अगर मेरे केस में आप बात करो तो है। और मैं आपको दूसरा एक किस्सा बताती हूँ, किस्से सुना देती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट पेशेंट नहीं है एक्चुअली, मैं बता ही देती हूँ, पता नहीं उनको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, जिनको भाभी कहते हैं, तो ऑब्वियसली जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद जब वो घर पे आए तो बुखार आने लगा, बहुत ज़्यादा टूटन होना, बुखार आना, बहुत सारे ऐसे सिम्टम आ रहे थे। तो घर वालों ने बोला डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। अब चूंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर क्या होता है ना, शादी इंडियन कल्चर में ऐसी चीज़ है कि आप घर के डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते, नहीं तो आसपास के लोग बोलते हैं अरे अरे उन्होंने तो खुद ही दिखा लिया था, बहू को दिखाने भी नहीं लेके गए। इस तरीके का एक अननेसेसरी का प्रेशर रहता है। तो मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं, उनको किसी और डॉक्टर पे दिखाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, सोसाइटी वाले कुछ बोलेंगे। तो मैंने कहा कि अभी रात हो गई है, अभी रहने दो, कल सुबह अपन चलते हैं तो डॉक्टर को दिखा लेंगे, अपॉइंटमेंट ले लेंगे, इनका चेकअप करा लेंगे। अब मेरे दिमाग में एक्चुअली क्या था, क्योंकि मैं हमेशा बीमारी के रूट कॉज के ऊपर फोकस करती हूँ, मैंने मुझे ये पता था कि उनको जो बुखार आ रहा है वो कोई इन्फेक्शन के कारण आने वाला बुखार नहीं है। याद रखना, ये एक पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रही हूँ, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। हर बार आप सोचो कि आप ये थ्योरी अप्लाई हर जगह कर दो तो नहीं है। तो लेकिन मुझे उनके पता था कि इनको इन्फेक्शन की वजह से बुखार नहीं आ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से बुखार आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली इंडियन शादी इतनी हैवी होती है, इतनी हैवी होती है कि दूल्हा दुल्हन तो शादी के 7 दिन पहले से और 7 दिन बाद तक बिल्कुल रिचुअल्स में इतने परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मेंटली फिजिकली स्ट्रेस हो जाता है।
तो फिर मैंने फाइनली मैंने कहा यार नई बहू है, अगर मैं उनको बोलूंगी कि एक चम्मच आप अल्कोहल ले लो तो नहीं लेंगी, और वैसे ही मेरी भाभी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर ये वीडियो देखेंगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है, ठीक है। तो फिर मैंने उनको क्या किया, आयुर्वेद की आशा वरिष्ठ वाली कोई कंपोजिशन होता है, कोई कड़वा सा मुझे याद नहीं है कौन सा लिया, कोई महामंजिष्ठ आदि कौथ वगैरह लिया होगा जो बहुत कड़वे होते हैं, उसमें 5 ml की मात्रा में डॉक्टर ब्रांडी मिला के दवाई बना के उनको पिला दिया कि भाई आप पी लो, ठीक है। 5 ml में ही, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में अल्कोहल का सेवन नहीं किया था, तो उनको 5 ml में ही बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ, वो इतनी गहरी नींद सो गई, रात में 8 बजे सोई, उसके बाद अगले दिन सुबह 8 बजे उठी, बॉडी को रिलैक्स मिला, मेंटली उनका थोड़ा जो टेंशन थी वो कम हुई, थोड़ा सा सोचने समझने के स्ट्रेस चल रहा था वो कम हुआ, तो अगले दिन से उनका फीवर आना कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉज क्या था, स्ट्रेस की वजह से आ रहा था। तो जो लोग ये ऊटपटांग सवाल करते हैं उनको मैं एक जानकारी दे दूं, भाई मेरे लिए इस दुनिया की हर चीज औषधि है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि इस दुनिया में कोई भी चीज ना बिल्कुल डायरेक्टली राइट और लेफ्ट नहीं होती, कोई चीज ऐसी नहीं है कि ये करना बिल्कुल 100% सही है, 100%। हर चीज का जो उपयोग किया जाता है वो उसको सही या गलत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं वचन करना, राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य वचन करो, इस तरीके की बातें हम लोगों को सिखाई जाती हैं। अब यार सोचो, आप घर के दरवाजे पे खड़े हो, आपके वहां पर कोई कोई भी व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति आके छुप गया जिसको लोग मार रहे थे, और भीड़ आ गई और भीड़ ने आके पूछा अरे वो व्यक्ति कहाँ है, आप बोलोगे नहीं हम तो सत्यवादी हैं, हम बोल देंगे वो रहा यहाँ छुपा हुआ बैठा है, तो भीड़ आके उसको उठा के ले जाएगी, मार देगी। यहाँ पर झूठ बोलना ज्यादा सही रहता, किसी को मारना बहुत गलत बात है ना, मार पिटाई करना गलत बात है, अहिंसावादी होना चाहिए, भारत की आर्मी को सिखाओ, ठीक है। भारत की आर्मी अगर अहिंसावादी हो जाएगी तो आप और हम लोग रहेंगे नहीं इस दुनिया में, है ना। हर चीज का जो इस्तेमाल होता है वो उसको सही या गलत बनाता है। अल्कोहल भी एक मेडिसिन है, जिस तरीके से दूध एक मेडिसिन है, जिस तरीके से शतावरी मेडिसिन है, जिस तरीके से अश्वगंधा मेडिसिन है, उस तरीके से अल्कोहल भी एक मेडिसिन है, गौमूत्र भी एक मेडिसिन है। इवन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पानी होता है उसके भी निर्देश दिए गए हैं, उससे संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। दूध के अपने ही निर्देश दिए गए हैं, घी के, मक्खन के, छाछ के, हर चीज के इंडिकेशन दिए गए हैं। तो जब सारी चीज़ों के इंडिकेशन होते हैं तो उसी प्रकार से अल्कोहल के भी इंडिकेशन होते हैं। सही तरीके से यदि आप इसका सेवन करोगे तो ये फायदा पहुंचाती है, आपके अंदर सत्व गुण को बढ़ाने वाली होती है। गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर जहर के समान इसको बोला गया है। अगला जो इंटरेस्टिंग कमेंट है इसके ऊपर, अल्कोहल प्रकरण के ऊपर, रॉक डेला, अच्छा हुआ मैम बता दिया कि युक्ति पूर्वक लेना है, वरना लोग आयुर्वेद के नाम पर रोज लगाते हैं। ये तो बहुत होता है, आयुर्वेद के नाम पर लोग शिलाजीत खाते हैं, आयुर्वेद के नाम पर लोग च्यवनप्राश खाते हैं बिना उसका इंडिकेशन देखे हुए, आयुर्वेद के नाम से बिना मतलब मैं अश्वगंधा और शतावरी तीन तीन चार चार महीने तक खाते रहते हैं। क्यों खा रहे हो भाई, पता नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्लीज पर्टिकुलरली अल्कोहल के सेवन में बोलूंगी, युक्ति पूर्वक इसका सेवन करिएगा, पूरे डू एंड डोंट्स को याद रखते हुए सेवन करिए। और कभी भी, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, कभी भी जब भी आपको मेंटल डिप्रेशन हो, टेंशन हो, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, इन सारी जो मेंटल कंडीशन होती है उसमें कभी अल्कोहल का सेवन मत करना। ब्रेकअप हो गया हो तो कभी शराब का सेवन मत करना, ऑफिस में क्राइसिस चल रहा हो तो कभी शराब का सेवन मत करना, घर पे वाइफ के साथ में झगड़ा हो गया हो तो कभी शराब का सेवन मत करना, आपका बच्चा फेल हो गया हो तो कभी शराब का सेवन मत करना, आप खुद फेल हो गए हो स्कूल कॉलेज में तो कभी शराब का सेवन मत करना, जितनी भी निगेटिव सिचुएशन आप सोच सकते हो वहां कभी भी शराब का सेवन मत करना। क्यों? क्योंकि शराब जो भी आपकी मेंटल स्टेटस होता है उसको बढ़ाने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप डिप्रेशन में हो तो शराब आपके डिप्रेशन को बढ़ा देगी, यदि आप एंग्जाइटी में हो तो शराब पीने से आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, ठीक है। खास तौर से जितनी भी मेंटल सिचुएशन होती हैं इनमें कभी अल्कोहल का सेवन मत करना। अल्कोहल का सेवन हमेशा तब किया जा सकता है जब व्यक्ति खुश है, टेंशन फ्री है, इंजॉय कर रहा है, तब अल्प मात्रा में शीतल औषधियों के साथ में, ठंडे पानी के साथ में अल्प मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जा सकता है। उसके अलावा यदि आप कभी भी अल्कोहल का सेवन करोगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद सवाल है, मैडम पेंट तो करवा लो अंदर। हाँ यार, वो एक्चुअली मैं जहाँ पे शूट करती हूँ वहाँ पे पेंट खराब हो गया है, और करवा लेंगे यार मैं आलसी हूँ बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में।
उसके बाद नेक्स्ट है, मैम कहाँ लिखा है कि शराब ईश्वर ने बनाया है? ये जो कमेंट है ना संजय यादव जी ने किया है, ये इस प्रकार के कमेंट होते हैं कुतर्क। एक होता है तर्क करना और एक होता है कुतर्क करना। रोटी ईश्वर ने बनाई है कहाँ लिखा है? गेहूं ईश्वर ने बनाया है, लेकिन गेहूं से रोटी जो बनती है वो ईश्वर ने नहीं बनाई। रोटी आप और हम लोग बनाते हैं, है ना। भगवान ने औषधियां बनाई, भगवान ने अश्वगंधा बनाया, भगवान ने शिलाजीत बनाया, लेकिन उस शिलाजीत को पहाड़ से लाकर उसको प्योरीफाई करने का काम हमने किया, तो वो भगवान ने नहीं किया ना। पिज्जा भगवान नहीं बनाते, चाय भगवान नहीं बनाते, है ना। चाय की जो कॉन्सेप्ट है, चाय के लिए दूध भगवान देते हैं, पानी भगवान देते हैं, चाय पत्ती भगवान देते हैं, शक्कर भगवान देते हैं। शक्कर भी डायरेक्ट भगवान नहीं दे रहे, है ना। वो तो गन्ने का पेड़ उगा रहे हैं, अब गन्ने के पेड़ से शक्कर आप बना रहे हो, ठीक है। भगवान ने शक्कर कहीं नहीं लगाई कि शक्कर लगा दियो कहीं पे, वो तो गन्ने का पेड़ उनने लगाया और गन्ने के पेड़ को आपने अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग करके उसकी बाद में उसका शक्कर और गुड़ का निर्माण किया। तो जिस तरीके से शक्कर गुड़ ये सारी चीजें इंडायरेक्टली भगवान ने बनाई है, वैसे ही अल्कोहल भी है किस दुनिया की। क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये कहा था ना कि इस दुनिया की हर चीज जो भी ईश्वर ने बनाई है वो कभी गलत नहीं होती, उसका युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद होता है। तो वो उस लाइन के ऊपर उनको ऑब्जेक्शन हो गया कि कहाँ लिखा है ईश्वर ने बनाया है, कहाँ लिखा है कि ये मोबाइल ईश्वर ने बनाया है, कहाँ लिखा है कि मेरा यूट्यूब चैनल ईश्वर ने बनाया है, कहाँ लिखा है कि ये माँ टीवी पे जो महाभारत आ रही है वो ईश्वर ने बनाई है? कहीं नहीं लिखा है ना, कहीं नहीं लिखा। इसे बोलते हैं कुतर्क करना। सब ईश्वर ने बनाया है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो शराब है, चाहे चंद्र प्रभावटी है, चाहे शिलाजीत है, चाहे एट्रोपिन है, चाहे पैरासिटामोल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब ईश्वर ने बनाया है। ये सवाल है, हाँ, ये सुधांशु राय ने कुछ वीडियो का बोला है कि वीडियो ठीक से बनाइए, बीच में आपका फोन बज रहा है, गेट बज रहा है, उसको वीडियो में शामिल करो। ये सही सवाल है इनका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे डॉग भौंकते हैं, मेरा फोन बज जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट एक्चुअली देखो, मैं बहुत सिंपली बताऊं, मुझे मेकअप नहीं आता, अभी भी मेरा नेचुरल है जो भी है, बस मैंने बालों को सही किया है कुछ भी, और ना लिपस्टिक लगाई, ना काजल लगाया, ना मैंने कुछ और काम किया, मैं केवल डॉग्स को किनारे करने का काम करती हूँ। देखो भाई, ये यूट्यूब चैनल मेरा है और मैं इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, फैलाना चाहती हूँ, फैलाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन है कि इंसान को ओरिजिनल ओरिजिनल रहना चाहिए। स्ट्रेस लेके यदि आप कोई काम करोगे, यदि मैं स्ट्रेस लूँ कि यार मोबाइल नहीं बजना चाहिए बीच में, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम होना चाहिए, तो फिर ये हेल्थ का यूट्यूब चैनल नहीं रह जाएगा, फिर वो इंटरटेनमेंट का यूट्यूब चैनल हो जाएगा, या फिर वो एक है ना जिनका प्रोफेशनल काम ही यही होता है वो रह जाएगा। मेरा प्रोफेशनल काम यूट्यूब नहीं है, मैं आप लोगों के साथ आपको एडवाइस दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि बस पसंद है, आप लोगों के साथ में अपनी नॉलेज को शेयर करना पसंद है। तो आपका जो कमेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने करके देख लिया, मैंने बीच में एडिटर को हायर किया, उसको मैंने तनख्वाह भी दी, सब कुछ किया, उसने मुझे उल्टा नुकसान होने लगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके भी किया कि यार नहीं, कोई बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी, बहुत स्ट्रेस हो जाता था वीडियो शूट करने का, क्योंकि यार डॉग हैं भौंकेंगे, क्या करूं, कहीं ना कहीं भौंक देते हैं। मोबाइल फोन है तो बजेगा, कई बार पेशेंट का फोन आते हैं तो उठाने पड़ते हैं, क्या करूं, मैं मोबाइल फोन साइलेंट नहीं कर सकती ना, कई बार ऑफिस से फोन आ रहे होते हैं, किसी के फोन आते हैं तो करने पड़ते हैं, कई बार दरवाजे पे मेड आ जाती है तो जाना पड़ता है, कभी दरवाजे पे कोई आ जाता है तो करना पड़ता है उससे, है ना। तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके काम नहीं कर सकती, बीच में मैंने करके देखा है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, हम मस्ती से काम करेंगे, आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है ये। नहीं, सारे कमेंट हो गए, हाँ लास्ट कमेंट है, ओके। देवेंद्र शर्मा का अच्छे से शुरुआत करी थी, अच्छे से खत्म करेंगे। देवेंद्र शर्मा जी ने बोला है, मैम आपको किसी को भी कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, जिनको गलत मतलब निकालना है वो वैसा ही निकालेंगे, थैंक यू सो मच। लास्ट कमेंट इतना ब्यूटीफुल मैंने जानबूझ के रखा था, बिल्कुल सही बात है, आप कुछ भी कर लो, लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत बोलने वाले हैं। और हाँ, ये भी बात सही है कि मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मुझे किसी को सफाई देनी है, इसलिए बनाया कि यदि किसी के मन में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा यूट्यूब चैनल देखने के बाद लोग शराब पीना चालू कर दें,
नहीं, शराब पीना एज ए खाने की तरह या फिर रेगुलर शराब पीना गलत है। साफ साफ बता रही हूँ, शराब पीना गलत है। शराब का सेवन केवल और केवल युक्ति पूर्वक डॉक्टर के सुपरविजन में, अपनी प्रकृति का निर्धारण करते हुए, अपने दिमाग की प्रकृति का निर्धारण करते हुए, अपनी मेंटल स्टेटस का निर्धारण करते हुए ही इसका सेवन किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे डू एंड डोंट्स होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इतने सारे अच्छे कमेंट करने के लिए, आपका धन्यवाद। और ज़्यादातर लोग, 90% लोग अच्छे कमेंट करते हैं, 10% लोग हैं जो हमेशा ही उनका दिमाग का ऊपर का हिस्सा खाली रहता है, तो वो ऊटपटांग बातें करते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम 90% लोगों के ऊपर फोकस करेंगे। तो थैंक यू सो मच अच्छे कमेंट करने के लिए। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा में शुद्ध आयुर्वेद के बारे में हम बात करेंगे, डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में हम जनरल हेल्थ इशू के बारे में बात करेंगे। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।